महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाते ही सांसद संजय राउत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सत्ता के नशे में धुत संजय राउत ने एक महिला की आबरू को तार तार कर दिया। हालांकि महिला चुप थी क्योंकि उस समय सरकार उद्धव ठाकरे की थी और पुलिस भी ठाकरे की थी, लिहाजा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती होता। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, महिला ने राउत की पोल खोल दी है। महिला ने जो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी की है, उसमें संजय राउत महिला के साथ गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। राउत महिला को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। वहीं महिला की शिकायत के बाद अब राज्य की शिंदे सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के माने तो महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग को इस क्लिप को लेकर जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर महिला ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पात्रा चौल मामले में और इस क्लिप को लेकर पीड़ित महिला ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ऑडियो क्लिप की बात करें तो इसमें साफ तौर पर शिवसेना सांसद संजय राउत महिला को धमका रहे हैं। राउत इसमें किसी जमीन का जिक्र कर रहे हैं। राउत चाहते हैं कि महिला वो जमीन उनके नाम कर दे। ऑडियो क्लिप को लेकर महिला ने आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें जमीन को लेकर धमकी और गालियां दी हैं। इस कथित ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि कैसे महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस ऑडियो क्लिप से पहले महिला को एक लेटर भी मिला था जिसमें कहा गया था अगर वो ईडी के सामने कुछ भी बोलती है तो उसके साथ रेप किया जाएगा। वहीं पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों को सबूत के तौर पर धमकी भरा पत्र और ऑडियो क्लिप सौंप दी है। इसके बाद अब जांच शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जांच के बाद राउत के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन ले सकती है। वहीं इससे पहले पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने राउत को 27 जुलाई को तलब किया था। हालांकि राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इसी बीच कहानी में महिला की एंट्री हो गई है। ऐसे में राउत की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।